हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था, 7C मैंने आपको कंप्लीट करवाया था और उनके बेसिस पे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट मैंने करवाया था। तो आज बच्चों हम करेंगे जो है एक्सरसाइज, जो सेल्फ प्रैक्टिस 7D कंप्लीट करेंगे। और उससे पहले जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ है वो सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या समझना है, लाइक फ्रैक्शन क्या होता है और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखो बच्चों, फ्रैक्शन तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन कैसे होता है ना, कैसे हम लिखते हैं, ये सारी बातें हमने डिस्कस किया। तो देखो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। आप ये याद रखना, सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मतलब अगर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, लाइक फ्रैक्शन। आप एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए 1/5 है ना, 2/5, 3/5, 4/5, तो सभी में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। समझ आया? मतलब अगर डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। आप एग्जाम्पल यहां पर देखिए, 3/4 है, 7/8 है, 9/7 है। तो देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 7 है, तो अलग अलग है ना, यानी जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग आए। तो जब डिनोमिनेटर बच्चों अलग अलग आएगा तो हम उसको क्या बोल देते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन। तो आपको लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शन दोनों आ गया समझ में, ओके। अब समझते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, आप यहाँ पे पहले एग्जाम्पल देखिए, देखिए 1/2 है, मतलब पहले ये एक बॉक्स था, इसको हमने क्या किया, दो इक्वल पार्ट में बांट दिया, तो ये हाफ हाफ बन गया, इक्विवेलेंट बना। अब देखो इस बॉक्स को भी हमने दो पार्ट में बांट दिया, तो ये भी हाफ ही बना, मतलब इक्विवेलेंट बना। और इसको भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। अब देखो ये जो बॉक्स था ना, अब इस टोटल बॉक्स को तीन पार्ट में बांट दिया गया है, तो 1/6, 1/6, 1/6, राइट। अब इसको भी तीन पार्ट में बांट दिया। अब यहां पे देखो चार पार्ट में बांटा है, यहां पे भी, मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप क्या कर सकते हो, इक्वल में, मतलब वही चीजें बढ़ती चली जाएंगी और रिजल्ट वही रहेगा, जब आप उनको सॉल्व करोगे ना तो वही रिजल्ट आएगा। तो दैट मीन्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही फ्रैक्शन होता है। आप यहां पर देखिए इन सभी को, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इनको भी अगर आप सॉल्व करो देखो क्या आ जाएगा, 1 और ये 2, तो ये भी क्या आ गया बच्चों, 1/2 ही आ गया। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 1, ये 2, ये भी क्या आ रहा है, 1/2। मतलब सारे जो फ्रैक्शन है ना वो क्या आ जाएगा, 1/2 ही आएगा, बिकॉज हाफ का ही किया जा रहा है। तो यही है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे ना, तो जिसका आप इक्विवेलेंट निकाल रहे ना एज इट इज वही डिजिट आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं, तो 1/2 है ना, 3/2, ये इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता चला जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। डेफिनेशन को समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, सच फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट द सेम पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी फ्रैक्शन का सेम पार्ट अगर वो नंबर्स होता है, थ्रू डिफरिंग एंड द न्यूमरल्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंस। उसका न्यूमरल वैल्यू बदल सकता है, जैसे अभी आपने 1/2 का वैल्यू क्या देखा, 2/4 देख लिया, 3/6 देख लिया, 4/8 देखा, लेकिन एक्चुअल में जब आप उनको सॉल्व करोगे ना, तो जो फ्रैक्शन होगा ना वो वही आएगा जो पहले फ्रैक्शन आया हुआ था। क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा अब देखिए सिंपल वे में कैसे करेंगे, ये तो कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन था जो आपको समझ में थोड़ी सी नहीं भी आया होगा, बट हाँ अब ये वाला समझ आ जाएगा आपको। देखो हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके हम उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे 1/2 है, तो इसका अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 1 तो ऑलरेडी है ही, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे, जितने आपको कह रहा है या जितने आपको कहता है निकालने के लिए आप उतने निकाल लेंगे। अगर 2 कहता है तो आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 3 कहता है तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो कि नहीं, जैसे 1 2 हो गया तो 2 कहेगा 3 2 से,
थ्री कहेगा तो फिर 1 2 3 मतलब 2 3 4 से, तो इस तरीके से आप काउंट कर लेना और उनके अकॉर्डिंग आप वैल्यू लिख देना। आई होप ये बातें आपको समझ आ गया कि कैसे आप किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को पहले करते हैं, फिर उनके बाद हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट्स 2 2 बाय 5। अच्छा 2 बाय 5 का हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है बच्चों। तो देखो 2 बाय 5 लिखा हमने पहले, 2 से मैंने बोला था कि मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर 3 से करना, फिर 4 से करना, फिर 5 से करना। अब जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 2 जा 4 4 बाय 10 है ना, फिर 3 2 3 जा 6 6 बाय 15 हो जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा 8 बाय 20, फिर क्या हो जाएगा 10 बाय 25। तो इस तरीके से आपका वैल्यू निकल के आ गया और आप इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, है ना। पहले आप मल्टीप्लाई कर लेना, आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो इस तरीके से आपको लिख देना इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं बच्चों, राइट द न्यूमरल्स दैट शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू मेक इट सेंटर। अच्छा यहाँ पे देखो 6 बाय 7 दे रखा है, 12 बाय क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पे क्या डिजिट रखेंगे जो इसको वैलिड कर देगा, यानी ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो आपको पता होनी चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा 12 होगा, तो यहाँ पे भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14। आप देखो यहाँ पे वैसे सॉल्व कर रखा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, आप न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर का चेक करो, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर को चेक कर लो। जैसे देखो यहाँ पे बी पार्ट में न्यूमरेटर में तो है नहीं, तो इसमें चेक करो, यहाँ पे किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आ जाएगा, तो 9 3 7 3, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, तो क्वेश्चन मार्क जगह क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। समझ आया कि क्वेश्चन मार्क को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में दिया हुआ रहता है उसके इक्विवेलेंट वाले नंबर में आप मल्टीप्लाई करके चेक करो कि कितने बार में वो नंबर आ रहा है, और जितने बार में वो नंबर आता है उतने से आप क्या करो, उस नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ए पार्ट आपने देख लिया, बी पार्ट भी देख लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 5 में देखो क्या कह रहा है, राइट द न्यूमरल्स दैट शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग टू मेक द गिवन सेंटेंस इज ट्रू। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या वैल्यू रखें जो ये ट्रू हो जाएगा। तो देखो बच्चों आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट जब निकालना होता है तो हम मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, और जब उनको छोटा करना होता है या वेरीफाई करना पड़ता है तो वी नीड टू डिवाइड। तो आप डिवाइड करके भी मल्टीप्लाई, यानी सेम नंबर से आप किसी भी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और सेम नंबर से आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ मल्टीप्लाई किया हुआ है तो मल्टीप्लाई किया हुआ तो 3 आ जाएगा, बट यहाँ पे वी नीड टू डिवाइड इट, तो हमें डिवाइड करना है क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसे डिवाइड करो, तो 7 3 जा 21। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 3 जा हो जाएगा, तब तो 15 हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे 5 आ जाएगा। आप यहाँ पे देखिए वैसे सॉल्व कर रखा है, 5 इतना है तो 15 में 3 से डिवाइड करोगे तो 5 आ जाएगा, और 21 में किस से डिवाइड करोगे तो 7 आ जाएगा। तो समझ रहे हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 15 में किस से, मतलब इसमें हमने किस से डिवाइड करना है तो 7 आ जाएगा, तो हमने 3 से कर दिया तो यहाँ पे भी 3 से करना पड़ेगा, राइट। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे भी देखो, 5 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 10 में किस नंबर से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बच्चों 2 से करोगे तो यहाँ पे भी 2 से करना पड़ेगा तो 8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे बी पार्ट भी ये रहा और ए पार्ट भी ये रहा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, पहले सोचना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, और फिर आप उस पर क्या करो अप्लाई। जैसे यहाँ पे देखो आपको कह रहा है कि थिंक करो मतलब सोचो और फिर आप इस पर अप्लाई करो कि क्या लग सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये नहीं कि हर एक जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन पे डिपेंड है। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा
वैसे आपको उस हिसाब से सोचना है और फिर आपको सॉल्व करना है, राइट। चलिए, तो आगे फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। अच्छा, अब देखो कि कोई भी फ्रैक्शन को कैसे चेक करेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं, तो उसके लिए क्या करना होता है, आप देखो, आपको सिंपल से याद रख, जैसे ये हमें फ्रैक्शन दे रखा है तो 2/7 है और 4/14 है, तो अब हमें ये चेक करना है कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो आप क्या करो, न्यूमरेटर को बच्चों डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इससे इसको मल्टीप्लाई किया है और इससे इसको किया है, तो देखो 7 2 जा क्या हो जाएगा, 7 4 जा ना 28 और 14 2 जा 28, तो दोनों वैल्यू सेम आ गए। और जब वैल्यू सेम आ जाता है ना, तो हम ये कह सकते हैं, राइट, कि ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और अगर वैल्यू सेम नहीं आता है तो आप क्या कहेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इसी के बेस पे आपको यहाँ पे देखो क्विक असेसमेंट दे रखा है, तो इनको सॉल्व करके देख लेते हैं। आर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो, इससे इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल के आएगा बताइए, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, ठीक है, और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। तो देखो दोनों वैल्यू आ गए इक्वल, जब इक्वल वैल्यू आ जाता है तो हम ये क्या कहेंगे कि ये जो है 2/3 और 3/6 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 88 क्या हो गया 64, अच्छा 16 2 32, 32 2 क्या हो जाएगा 64, तो ये भी दोनों इक्वल्स आ गया, तो ये भी क्या हो गया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब आप इसको चेक करें, तो देखो इसको चेक करो, इसको चेक करो, तो देखो 5 4 जा क्या हो गया बच्चों 20 और 22 जा कितना हो जाएगा 40, है ना, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम नहीं आ रहा है, ऊपर वाला यानी 5 4 जा 20 हो रहा है, 22 जा 40 हो रहा है, तो ये दोनों वैल्यू नहीं आया सेम। और जब वैल्यू सेम नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, किसका, 2/5 का, अंडरस्टैंड, ओके। चलिए, तो अब हम लोग करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 7D। तो देखो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, सेट द फॉलोइंग्स टू स्लो इक्विवेलेंट सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए 2y बच्चों क्या है 4 दे रखे है और यहाँ पे 1/2 है, तो हमें क्या करना है, जो सेट द फॉलोइंग सो द इक्विवेलेंट, अच्छा ये फ्रैक्शन है इसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें सेडेड करना है। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पार्ट को सेडेड हाफ करना है, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा 1 पार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 1/2 है, ये 2 है, तो 2/4 यानी इस 2 पार्ट को सेडेड करोगे। अच्छा, अब इसमें देखो कितना है, न्यूमरेटर 5 है, तो 5 पार्ट में सेडेड करना पड़ेगा, 1 2 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये 5 5 पार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 10 पार्ट है, न्यूमरेटर में जितने होते हैं ना बच्चों उतने पार्ट को हमें सेडेड करना होता है, तो 10 है तो 10 पार्ट में कर लो, 1 हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट को आपको क्या करना है, सेडेड कर देना। आई होप आपको समझ आ गया, आप अच्छे से कलर लेकर के आप अच्छे से कर लेना, राइट, जिससे कि क्लियर, अच्छे से क्लियरिटी देख पाए और आप अच्छे से कर पाओगे। समझ आ रहा है ना कि कैसे करना है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें कह रहे हैं 1/3 है, तो 1 पार्ट में किसी पार्ट में कर दो, मैं इसमें कर रहा हूं, आप चाहते हो किसमें भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 2 पार्ट में करना है, किसी भी 2 पार्ट में, ये नहीं कि पार्टिकुलरली किसी भी पार्ट में, हम जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, 1 पार्ट में कर दिया और 1 पार्ट में कर दिया, बट हमें 2 पार्ट में करना है, चाहे आप कैसे भी करो, 2 पार्ट में कलर्स होनी चाहिए। अब आप इसमें देखिए 1/4 है, 1/4 है, तो इस पार्ट में कर दो, चलो मैं बीच में ही कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 है तो इसे मान लो एक हमने यहाँ पे कलर कर दिया और एक हमने यहाँ कर दिया, तो आप किसी को भी कलर कर सकते हो, जैसे मैंने इसको किया, आप किसी और को कर सकते हो, बट 2 बॉक्स को कलर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में 2 है इसी वजह से, अंडरस्टैंड, क्लियर समझ में आया, और टोटल तो आपको दे ही रखा है, तो इसी वजह से। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, स्टडी द सेडेड रीजन्स एंड फिल इन द बॉक्सेस। अच्छा, इस सेडेड रीजन को स्टडी करना है और उनके अकॉर्डिंग इस फ्रैक्शन में फिल करना है। तो देखो इसमें 1 कलर था तो 1/4, टोटल 4 था तो 4। अब देखो कलर कितने हैं इसमें, 2 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 बॉक्स हो जाएंगे, तो 8 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 बॉक्स है, तो 4 कलर्स हैं,
यहाँ पे हाफ कलर है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो टू है और यहाँ पे एक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि एक ही में तो कलर्स है, इस तरीके से फिल करेगा। अब आप यहाँ पे देखिए इसमें चार कलर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितना है, फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो यहाँ पे अगर थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा, पंद्रह हो जाएगा। टोटल आप काउंट कर रहे हैं ना, पंद्रह हो जाएगा, क्योंकि देखो तीन ही खाली ने, एक दो तीन, तो बारह तीन पंद्रह, तो ऐसे समझ आ रहा है आपको, है ना, कि बारह तीन पंद्रह ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए ये टोटल चार है जिसमें तीन कलर पार्ट है, और यहाँ पे टोटल कितना है, आठ है, और यहाँ फोर टू जा, तो यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, तो सिक्स पार्ट में कलर होगा। काउंट कर लो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स पार्ट में, तो सिक्स पार्ट में कलर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, फिगर को देखना है, और फिगर को देख करके फिर एनालाइज करना है कि क्या करना है आपको। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और फिर उनके बेसिस पे आप आगे की प्रोसेस को कीजिए, राइट। चलिए तो आगे देख फाइंड लेते हैं, फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, आपको क्या करना है, पांच इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है ईच का। थ्री बाय सेवन का भी पांच लिखना है, फोर बाय फाइव का भी लिखना है, फाइव बाय सिक्स का लिखना है, और फोर बाय नाइन का लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके लिखेंगे आप। तो देखो बच्चों ऐसे लिखना है, आप चाहे तो अलग अलग कर दो, चाहो तो एक साथ लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो थ्री बाई सेवन को क्या करना है, पहले टू से मल्टीप्लाई करना है, तो तीन दूनी क्या होगा बच्चों, सिक्स, और सेवन टू जा फोर्टीन, तो एक क्या हो जाएगा, सिक्स अपॉन फोर्टीन। दूसरा क्या हो जाएगा, तीन तिया नौ और सात तिया इक्कीस हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, तीन चौक बारह और सात तिया इक्कीस, सात चौक अट्ठाईस हो जाएगा। फिर पांच तिया क्या हो जाएगा, पंद्रह और सात पंचे पैंतीस, छत्रिक 18 और सात छक 42। तो इस तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एक क्या हो जाएगा, 6 बाय 14 हो जाएगा, 9 बाय 21 हो जाएगा, 12 बाय 28 हो जाएगा, 5 बाय 35 हो जाएगा, और 18 बाय 42 हो जाएगा। तो ऐसे आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो, या फिर अलग अलग सेपरेट करके लिख दो, जो आपको इजी लगे आप वो कर लो। अच्छा, अब देखो फोर बाय फाइव का वही सेम पैटर्न से निकालना है, पहले टू से मल्टीप्लाई कर दे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, फिर थ्री से करना है, फिर फोर से करना है, फिर फाइव से करना है, फिर सिक्स। क्यों, क्योंकि पांच आपको कह रहा था, अगर छह कहता तो हम छह टाइम छह बार कर लेते, सेवन कहता तो सेवन टाइम्स करते, टू दो बार कहता था टू टाइम्स करते, राइट। समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चार दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, आठ, और पाँच दूनी दस, ठीक है, चार तिया बारह और पाँच तिया पंद्रह, चार चौक सोलह और पाँच चौक बीस, है ना, पाँच चौक बीस, पाँच छः पच्चीस, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से आपको लिखना है, और छः चौक चौबीस, छः पंचे तीस, तो इस तरीके से आपको नंबर लिख देना है। तो देखो एक नंबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा। तो ये मैंने एक प्रोसेस अलग अलग करके लिख दिया है, जिससे कि आप समझ पाएंगे, अच्छे से कर भी पाएंगे, है ना। अब सी में देखो फाइव बाय सिक्स है, तो वही सेम प्रोसेस है। तो क्या करो, पाँच दूनी दस, छः दूनी बारह, पाँच तिया पंद्रह, छत्रिक अठारह, पाँच चौक बीस हो जाएगा बच्चों, और छः चौक चौबीस, है ना, पाँच छः पच्चीस, छः पंचे तीस, छः पंचे तीस, छः छः के छत्तीस, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है, और इजी तरीके से आपको लिखना है ना, आसानी वे में आप लिख लेंगे और रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये सोच लो कि जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, उस फ्रैक्शन को पहले आपको टू से मल्टीप्लाई करके चेक करना है, वैल्यू लिखना है, फिर उसके बाद थ्री से करना है, फिर फोर से करना है, फिर फाइव से करना है, फिर सिक्स से करना है, जितने आपको कहेंगे उतने बार आपको कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो चार दूनी कितना हो जाएगा, आठ, पाँच दूनी दस। अच्छा वैसे बच्चों ये नाइन है ना, तो नाइन लिखेंगे हम, हमने फाइव लिख दिया है, नाइन टू जा एटीन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी नाइन आएगा, तो चार तिया बारह, नौ तिया सत्ताईस, ठीक है, चार चौक सोलह, नौ चौक छत्तीस, पाँच चौक बीस, नौ पंचे पैंतालीस, छः पंचे, छः चौक चौबीस और नौ छः चौवन। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, समझ आ गया, प्रोसेस भी समझ में आ गया कि कैसे करना है आपको। सिर्फ क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट लिख देना है। क्लियर, सबका समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, फिल इन दी बॉक्स बाय द करेक्ट नंबर्स टू मेक ईच सेंटेंस ट्रू। अच्छा, हर एक सेंटेंस क्या होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, जैसे मैंने एग्जांपल में भी करवाया था आपको। तो देखिए यहाँ पे थ्री बाय एट है,
और यहाँ पे दे रखे 40, तो यहाँ पे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा सोचिए, 5 आ जाएगा, तो 8 × 5 = 40 हो जाएगा। तो यहाँ भी तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है 21 है और ये 7, तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ किस से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे ना, मतलब 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 9 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 × 5 = 45, 9 से डिवाइड 9 × 8 = 72, यहाँ पे 8 आ जाएगा। बट 87 = 84 हो जाएगा बच्चों, 7 × 7 = 49। तो ये सब आपको सोचना है और सोच के फिल करना है कि ये कैसे आया। ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको अच्छे से समझाया था कि कैसे आपको सोचना है, उसी के बेस पे दे रखा था। अब आप यहाँ पे देखो मिसिंग नंबर है, तो 4 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 × 2 = 8, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 20, ठीक है। अब आप देखिए 4 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15 है ना, 5 × 3 = 15, 2 × 3 = 6, तो इस तरीके से आपको फिल करना, चेक जरूर करना। अब देखो यहाँ पे देखो इसे क्या करोगे, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करो 16 हो जाएगा, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 6, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करो 32, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 12, ठीक। अब यहाँ पे देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 × 3 = 15 और 8 × 5 = कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, तो 40 लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको चेक करना है, फिल करना है। अच्छा अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, डिस्कवर द पैटर्न एंड राइट द नेक्स्ट 3 फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग। अच्छा इस ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, इस फ्रैक्शन में आपको पैटर्न को डिस्कवर करना है, मतलब खोजना है, और फिर इनके बेसिस पे आपको नेक्स्ट 3 फ्रैक्शन लिखना है। तो ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें 3 से हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, 4 से हो जाएगा, है ना। तो 4 × 3 = कितना हो जाएगा बच्चों, 12 और 11 × 4 = 44, फिर यहाँ पे 5 से हो जाएगा, तो 5 × 3 = 15, 11 × 5 = 55, यहाँ पे 6 से हो जाएगा तो 18 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66। तो ये पैटर्न को समझ रहे हैं, यहाँ पे भी वही पैटर्न है, देखो 7/4 तो 2 से मल्टीप्लाई के 7 × 2 = 14, 4 × 2 = 8, यहाँ पे 3 से किया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से, तो 4 × 16, 7 × 1 = 7 / 28, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बच्चों, 5 से, 5 × 20 और 7 × 5 = 35, 6 से 6 × 24, 7 × 6 = 42, तो इस तरीके से आपको पैटर्न फिल करना है। अच्छा चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स गिवेन बिलो नेम द नंबर वंस। अच्छा ये जो फ्रैक्शन दे रखा है ना, इस फ्रैक्शन में कौन ऐसा फ्रैक्शन है जो वन नंबर्स देगा। तो देखो 2/3 तो ये वन देगा नहीं बच्चों, 3/4 वन देगा नहीं, अच्छा 4/4 देखो, 4/4 अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा, वन आ जाएगा, तो एक तो वन दे दिया 4/4। अब देखो 9/9 हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, 21/21 आ जाएगा, बिकॉज क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड करोगे तो वन ही आ जाएगा, और क्वेश्चन में कह रहा है नेम द नंबर वंस, मतलब नंबर वन ये जो आपको दे रखा है फ्रैक्शन, इसमें से कौन कौन है, तो 4/4 हो जाएगा, 9/9 हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा, 21/21 हो जाएगा। क्यों होगा आप देख रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट आता है, वन आ जाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो लाइक फ्रैक्शंस था, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया, और इनके बेसिस पे जो ये 7D सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं, तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। टेक केयर्स एंड बाय बाय।